ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखे थे, मोबाइल फोन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखे थे। ठीक है, ये उसका एग्जांपल था जो MSBT में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। 4 मार्क्स के लिए 6 ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको बताया था। सर उसमें सर से पहला ब्लॉक डायग्राम जो है, फर्स्ट 1.5, ये मोबाइल फोन यूनिट, ये मेन टॉपिक का सर नाम है। उसमें ये मोबाइल फोन यूनिट का ये ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, लॉजिक यूनिट का सॉरी कंट्रोल यूनिट, लॉजिक यूनिट, रिसीवर यूनिट, फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर, ट्रांसमिटर सर्किट, ये सब का फंक्शन हमने देखे थे, एंटीना का फंक्शन देखे थे। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि भाई हर इंडिविजुअल ब्लॉक का एक एक सेपरेट ब्लॉक डायग्राम आएगा। इसकी ये टॉपिक का यहाँ पर नेसेसरी क्या है, नेसेसरी ये है टॉपिक का कि भाई आप मोबाइल फोन को रिपेयर करने के लिए जब ओपन करेंगे तो आपको फिजिकली कौन सा पार्ट्स है, कहाँ पर है उसका लोकेशन, वो आपको समझ में आना चाहिए। और कोई भी चीज़ को ट्रबल शूट करने के लिए, ठीक करने के लिए उसका फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी चीज़ का फंक्शन ही नहीं पता तो उसको आप ट्रबल शूट कैसा करेंगे, आपको पता कैसा चलेगा कि वो वर्किंग में है कि नॉन वर्किंग में। तो ये फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हमने देखे थे। ठीक है, उसके बाद उसका ये MSBT का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हमने देखे थे। अभी सेकेंड टॉपिक आज हमको पढ़ना है, ब्लॉक डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑफ मोबाइल फोन ट्रांसमीटर। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑफ मोबाइल फोन ट्रांसमीटर, ये इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि भाई बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। ड्रॉ नीड ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर यूनिट ऑफ मोबाइल फोन हैंडसेट। देखो यहाँ पे आगे स्पेसिफाई किया गया है कि ट्रांसमीटर तो किसका ट्रांसमीटर है, तो मोबाइल हैंडसेट का ट्रांसमीटर है। ठीक है, ड्रॉ नीड ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर यूनिट ऑफ मोबाइल हैंडसेट। 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके आगे उसने क्या बोला है, ब्लॉक डायग्राम के 2 मार्क्स से ड्रॉ करने के, और आगे क्या बोला है उसने, स्टेट द फंक्शन ऑफ एपीसी लूप, स्टेट द फंक्शन ऑफ एपीसी लूप एंड डुप्लेक्सर यूनिट इन यूनिट। यानी ये ट्रांसमीटर यूनिट के अंदर दो कंपोनेंट जो है, एपीसी लूप, एपीसी लूप मतलब ये वाला जो लूप है, ये यहाँ से जो आ रहा है ये लूप, और दूसरा क्या बोला उसने, डुप्लेक्सर मतलब ये। तो ये दोनों का फंक्शन लिखना है, बाकी किसी का फंक्शन नहीं लिखना, सिर्फ ये दोनों का फंक्शन आपको लिखना है। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम को पहले आप अच्छे से देख लो कि उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है फ्रॉम फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर, क्या लिखा हुआ है, ये जो सिग्नल जो आ रहा है यहाँ ऊपर से, ऊपर से यानी आसमान से नहीं आ रहा, कहाँ से आ रहा है, ये फ्रॉम फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर इधर था ना, ये ट्रांसमीटर को सिग्नल इनपुट में मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर, ये तो ये चीज यहाँ पर है। ठीक है, सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम, दिस सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर टू फेज मॉड्यूलेटर, और दूसरा सिग्नल जो फेज मॉड्यूलेटर को यहाँ नीचे से आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, माइक्रोफोन, यानी हम जब कॉल करेंगे तो हम बातचीत करेंगे ना सामने वाले से, तो हमारी वॉइस जो है वो माइक के जरिए से क्या होगी, हमारा साउंड सिग्नल जो है वो ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर उसको हम एम्पलीफाई करेंगे, तो आगे एम्पलीफाई लगाया गया है, एम्पलीफाई करने के बाद हमको उसको क्या करना है, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट कराना है, लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंड करना है, तो उसको हम मॉड्यूलेट करना पड़ेगा हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ, उसको सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने फेज मॉड्यूलेशन टेक्निक यहाँ पर यूज की है, तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होगा। तो मॉड्यूलेशन के लिए कैरियर सिग्नल चाहिए हमको हाई फ्रिक्वेंसी वाला, तो वो हमको कौन जनरेट करके दे रहा है, फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसको हम मॉड्यूलेट करेंगे हमारे ऑडियो सिग्नल के साथ, और फिर वो सिग्नल जो है वो आगे जाएगा किसके पास, फ्रिक्वेंसी मिक्सर के पास। यहाँ पे और एक फ्रिक्वेंसी रहेगी उसके साथ, वो क्या होगा, मिक्स होगा ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो वो जो फ्रिक्वेंसी है, दूसरी जो फ्रिक्वेंसी है वो कहाँ से आ रही है, इधर नीचे से आ रही है, इनपुट फ्रॉम फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर, वो भी फ्रिक्वेंसी जो है वो कौन जनरेट कर रहा है, फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर ही जनरेट कर रहा है। यानी ट्रांसमीटर के लिए यहाँ पर फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर जो है वो दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है, एक मॉड्यूलेशन के लिए फेज मॉड्यूलेटर के लिए एज अ कैरियर सिग्नल, और दूसरा यहाँ पर दूसरी फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पर जनरेट करके हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी जो ऑलरेडी मॉड्यूलेट हो चुका है, मिक्स हो चुका है, इंफॉर्मेशन सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों मिक्स हो चुके हैं, उसको वापस से और एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, वो मिक्स होने के बाद, यानी ये दो फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग होने के बाद, उसको हम क्या करेंगे, क्लास सी एम्पलीफायर यूज करेंगे। ये सिंबल जो है वो किसका है, एम्पलीफायर का सिंबल है, दो एम्पलीफायर यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा एम्पलीफायर यूज हो रहा है,
क्लास सी एम्पलीफायर यूज हो रहा है। तो आपने शायद अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े रहेंगे थर्ड सेमेस्टर में, AET जो है ये क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर। तो क्लास ए बी और सी एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस रहता है, किसी को पता है कि क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर और क्लास सी एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस रहता है, किसी को पता है कि नहीं, किसी को याद है? उसका तो एग्जाम दिए थे ना तुम लोग, फोर्थ सेम का एग्जाम नहीं दिए थे, थर्ड सेम का तो एग्जाम दिए ना, है किसी को याद? क्यू पॉइंट का डिफरेंस रहता है, जो ट्रांजिस्टर की जो लोड लाइन रहती है उसमें क्यू पॉइंट जो है कहीं पे सेंटर में रहता है, कहीं पे जीरो पे रहता है, कहीं पे बिलो जीरो रहता है। तो क्लास सी में बिलो जीरो रहता है, जिससे एम्पलीफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, सिग्नल हमारा कट भी होता है मगर एम्पलीफिकेशन भी ज्यादा होता है, तो ये रीजन है। तो क्लास सी बेसिकली क्या है, पावर एम्पलीफायर है। फिर अगेन यहाँ पर वापस से पावर एम्पलीफायर यूज किया गया है, ये करंट को बूस्ट करने के लिए यूज किया गया है। ये पावर एम्पलीफायर जो है वो सिग्नल के करंट को, पावर कैसा बढ़ेगा, पावर का फॉर्मूला क्या है, I² × R, तो I यानी करंट, करंट को बढ़ाएंगे तो पावर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगेन यहाँ पर पावर एम्पलीफायर यूज किया गया है वापस से सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायरेक्शनल कपलर है, उसके बाद क्या है, डायरेक्शनल कपलर। डायरेक्शनल कपलर क्या करता है, ये जो हमारा एम्पलीफाइड सिग्नल जो यहाँ पर आया है वो एम्पलीफाइड सिग्नल में से एक छोटा सा सिग्नल टैप कर लेगा, छोटा सा सिग्नल एक क्या करेगा, वो टैप कर लेगा और उसको क्या करेगा, पावर आउटपुट डिटेक्टर को देगा। पावर आउटपुट डिटेक्टर उस पर्टिकुलर सिग्नल को, उस पर्टिकुलर AC सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा, DC में कन्वर्ट करेगा। फिर उस DC सिग्नल को हम DC एम्पलीफायर के जरिए से एम्पलीफाई करेंगे और वो DC एम्पलीफाइड सिग्नल देखो फीडबैक आपने पढ़ा रहेगा, पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक, तो उसमें क्या रहता है, पूरा का पूरा जो सिग्नल रहता है वो यहाँ पर चला जाएगा डायरेक्शनल कपलर के जरिए से, वो डुप्लेक्सर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मगर उस सिग्नल का थोड़ा सा फ्रैक्शन जो है, थोड़ा सा पार्ट जो है वो हम लेकर यहाँ पर उसको DC में कन्वर्ट करके एम्पलीफाई करेंगे। वो एम्पलीफाई करके हम दो जगह भेज रहे हैं, एक तो टू लॉजिक यूनिट को भेज रहे हैं। लॉजिक यूनिट में क्या है, मेन हमारा CPU है, उसको हम बता रहे हैं कि भाई जो सिग्नल अभी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका पावर कितना है। तो वो CPU क्या करेगा, अपने रिकॉर्ड में रख लेगा कि इतने टाइम पर इतने ये सिग्नल मैंने भेजा था तो उसका पावर कितना है, ठीक है। क्योंकि ये सिग्नल कहाँ पे जाएगा, मोबाइल से बेस स्टेशन पे जाएगा, बेस स्टेशन पे वो सिग्नल रिसीव होगा तो रास्ते में बहुत कुछ आएगा, मोबाइल से बेस स्टेशन के बीच में रास्ते में पहाड़ आएगा, बिल्डिंग्स आएंगे, टावर्स आएंगे, झाड़ आएगा और न जाने कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स आएंगे, न जाने कितने ऑब्स्टेकल्स आएंगे। तो वो सब ऑब्स्टेकल से टकराते हुए हमारा सिग्नल जो है वो बेस स्टेशन पे जाएगा, ठीक है। तो बेस स्टेशन पे जाएगा तो ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस की वजह से और इतनी सारी जगह टकराने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका पावर जो है वो कम हो जाएगा। तो बेस स्टेशन उसको रिकॉर्ड करेगा कि भाई ये सिग्नल जो मेरे पास रिसीव हुआ है उसका पावर इतना है, समझ में आ रही है बात। ट्रांसमीटर सिग्नल को प्रोसेस करके ट्रांसमिट कर रहा है तो वो कितने पावर का ट्रांसमिट कर रहा है उसका रिकॉर्ड वो मोबाइल, अपने मोबाइल का जो CPU है वो अपने पास रख रहा है। वही सिग्नल बेस स्टेशन के पास जब वो सिग्नल रिसीव हो रहा है तो बेस स्टेशन भी वो सिग्नल का पावर कितना था, स्ट्रेंथ कितनी थी वो सिग्नल की, उसका रिकॉर्ड बेस स्टेशन भी अपने पास रख रहा है। फिर जब बेस स्टेशन से सिग्नल मोबाइल की तरफ आएगा तो बेस स्टेशन क्या करेगा, जो प्रीवियस सिग्नल मोबाइल से आया था उसका जो पावर लेवल की जो रीडिंग थी उसके पास, वो रीडिंग भी क्या करेगा, साथ में भेजेगा। किसको भेजेगा, मोबाइल को, ताकि मोबाइल को ये पता चले कि मैंने जो सिग्नल प्रीवियसली भेजा था वो इतने पावर का मैंने जनरेट किया था और ट्रांसमिट किया था, मगर बेस स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते उसका कितना पावर कम हुआ, वो डिफरेंस से वो मोबाइल स्टेशन और बेस स्टेशन जो है वो ये एनालाइज करेगा कि पावर डिग्रेड हो रहा है, कि पावर जितना आप ट्रांसमिट कर रहे हो अप्रोक्सीमेट सेम पावर का पहुंच रहा है, कि 50% कट हो रहा है, 20% कट हो रहा है, कि 100% कट हो जा रहा है, जो भी है XYZ, समझ में आ रही है बात। तो ये जो मैंने प्रोसेस जो बताया इसको थोड़ा ध्यान में रखो, ये बार बार यूज होगा और आगे भी काम आएगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो ये पावर आउटपुट डिटेक्टर, ये जो APC लूप का जो काम है वो ये काम है, ठीक है। अगर मान लो वहां पर बेस स्टेशन पे आपका सिग्नल पहुंचा, वो क्या हो गया, बहुत रिड्यूस हो गया, बेस स्टेशन ने आपको नेक्स्ट सिग्नल में बताया कि आपने जो सिग्नल ट्रांसमिट किया था वो उसका पावर इतना हो गया। मोबाइल ने दोनों को, लॉजिक यूनिट ने क्या किया, दोनों की वैल्यू को कंपेयर करके देखा कि मैंने ट्रांसमिट किया था उसका पावर कितना था और बेस स्टेशन ने मुझे बताया कि मेरे सिग्नल का कितना पावर पहुंचा। तो लॉजिक यूनिट क्या करेगा, ट्रांसमीटर को बताएगा, ये ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल सर्किट को इन्फॉर्म करेगा कि तुझे पावर बढ़ाने की जरूरत है कि पावर कम करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी ऐसा होता है कि हम जो बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड रहते हैं उससे हम बहुत नजदीक रहते हैं,
जब नजदीक रहेंगे तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम रहेगा, ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम रहेगा तो पावर लॉस कम होगा, ठीक है। सिग्नल जो टकराएगा वो बहुत कम ऑब्जेक्ट से टकरा कर जाएगा, या हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट हो ही ना, डायरेक्टली हमारा सिग्नल जो है वो बेस स्टेशन पे चला जाए, तो जितना तो डिफ्रेक्शन नहीं होगा उतना लॉसेस कम रहेंगे, जितना डिस्टेंस कम रहेगा पावर की, पावर का जो स्ट्रेंथ है उतना कम डिक्रीज होगा, यानी मैक्सिमम पावर जो है वो मोबाइल से बेस स्टेशन पे पहुंच जाएगा। तो बेस स्टेशन उसकी रीडिंग मोबाइल को बताएगा, तो मोबाइल ये एनालाइज करेगा कि भाई हम जो पावर सेंड कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट सेम पावर का सिग्नल जो है वो बेस स्टेशन पे पहुंच जा रहा है, तो हमको थोड़ा सा पावर क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। थोड़ा सा पावर हम कम करेंगे तो हमारा जो एनर्जी का जो सोर्स है, मोबाइल में एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, बैटरी है, ठीक है। तो हमारी बैटरी की लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। हम कम पावर यूज करेंगे सिग्नल, ज्यादा सिग्नल जनरेट के लिए, जनरेट करने के लिए ज्यादा पावर लगेगा, जैसा आहिस्ता बोलने के लिए कम एनर्जी लगेगी, जोर से बोलेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। आदमी के गले के पास नसें फूल जाती है, एकदम चिल्ला के आदमी बोलता है, नॉर्मली बोलता है तो नसें फूलती है, नहीं फूलती। तो सिमिलरली मोबाइल और बेस स्टेशन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा सिग्नल को स्ट्रांग बनाना है तो ज्यादा पावर लगेगा, ज्यादा बैटरी का यूज होगा। अगर डिस्टेंस कम है, पावर कम करना है, पावर रिक्वायरमेंट कम है, तो बैटरी का यूज भी क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से बैटरी की जो लाइफ है वो क्या रहेगी, लंबी होगी, यानी बैटरी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो ये सब मैकेनिज्म जो है इसको कहते हैं एपीसी लूप, ये एपीसी लूप का फंक्शन है, ठीक है। डायरेक्शनल कपलर से सिग्नल को हम क्या करेंगे, डुप्लेक्सर सर्किट के साथ कपल कर देंगे, यानी मैक्सिमम सिग्नल जो एम्पलीफायर के आउटपुट में से है वो मैक्सिमम सिग्नल यहाँ पर कनेक्ट हो जाए, इधर उधर कहीं पे भी लॉस ना हो, और उसमें से थोड़ा सा सिग्नल टैप करके, TAP टैप करके हम किसको देंगे, पावर आउटपुट डिटेक्टर को देंगे, वो इस एनालॉग सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करेगा रेक्टिफायर सर्किट के जरिए से, फिर उस डीसी को हम एम्पलीफाई करेंगे और वो डीसी सिग्नल जाएगा लॉजिक यूनिट के पास। लॉजिक यूनिट में जो मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू, वो अपने रिकॉर्ड में रख लेगा कि ये सिग्नल जो है वो इतने पावर का जनरेट मैंने किया था और बेस स्टेशन को भेजा था। वही लूप जो ये जो टैप वाला सिग्नल जो है वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल सर्किट के पास जाएगा। जैसे ही लॉजिक यूनिट से उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा ये एपीसी को कि पावर बढ़ाना है या कम करना है, तो ये एम्पलीफायर को क्या करेगा, वो हिसाब से एडजस्ट करेगा। अब ये क्लास सी पावर एम्पलीफायर जो है उसके कौन से पैरामीटर को एपीसी सर्किट जो है वो एडजस्ट करेगा तो पावर कम ज्यादा होगा, गेन को किसको करेगा, हर एम्पलीफायर को हम किस कौन से पैरामीटर पे जज करते हैं, गेन पे जज करते हैं। गेन का फॉर्मूला क्या रहता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है, इनपुट वोल्टेज हमने कितना दिए थे, वो हो गया गेन, और गेन इन डीबी चाहिए, डेसिबल में चाहिए, तो लॉग टू द बेस 10 आउटपुट अपॉन इनपुट, ये उसका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, गेन को डीबी में कैलकुलेट करने के लिए। तो गेन को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, क्लास सी एम्पलीफायर के गेन को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और वो एडजस्टमेंट कौन करेगा, ये सर्किट करेगा, एपीसी सर्किट, ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल सर्किट। और ये ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल सर्किट किसके हिसाब से चलेगा, लॉजिक यूनिट में जो सीपीयू है वो इसको इंस्ट्रक्शन देगा, वो इसको इंस्ट्रक्शन देगा। लॉजिक यूनिट को कैसा पता चलेगा कि पावर कम करना है या ज्यादा करना है, तो जो सिग्नल उसने ट्रांसमिट किया है उसकी रीडिंग तो उसके पास यहाँ से स्टोर है, बेस स्टेशन उसको बताएगा, बेस स्टेशन क्या करेगा, उसको बताएगा कि ट्रांसमिटेड पावर आपने जो सेंड किया था उसका स्ट्रेंथ जो है वो अभी इतना है, तो वो हिसाब से बेस स्टेशन लॉजिक यूनिट को इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको अपने मोबाइल का पावर कम करना है या ज्यादा करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन को लॉजिक यूनिट इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट करके वो एक्शन लेगा और एपीसी को बताएगा कि गेन को कम करना है या ज्यादा करना है, उसके हिसाब से यहाँ पर वो एडजस्टमेंट होगा, वो एडजस्टमेंट होकर फिर सिग्नल क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, समझ में आई बात। तो डुप्लेक्सर डायरेक्शनल कपलर का फंक्शन जो है कि फ्रैक्शन ऑफ द सिग्नल थोड़ा सा टैप करके आउटपुट पावर आउटपुट डिटेक्टर को प्रोवाइड करना, और पावर एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो मैक्सिमम जो है वो पूरा का पूरा किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, डुप्लेक्सर सर्किट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब डुप्लेक्सर सर्किट जो है उसका क्या फंक्शन है, डुप्लेक्सर सर्किट क्या है, डुप्लेक्सर कोई सर्किट नहीं है, बेसिकली डुप्लेक्सर क्या है, एक स्विच है, या एक स्विच का सर्किट आप ऐसा भी बोल सकते हो। बेसिकली डुप्लेक्सर क्या है, एक स्विच है, या उसको एंटीना स्विच भी बोलते हैं या स्विच भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, जब भी एक सिंगल एंटीना से आप दोनों काम करा रहे हो, एक सिंगल एंटीना से आप दोनों काम करा रहे हो, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम और सिग्नल को रिसीव करने का काम, जब दोनों काम एक सिंगल एंटीना करता है तो वहां पर क्या होता है, एक स्विच यूज होता है,
उस स्विच को क्या कहते हैं, डुप्लेक्सर सर्किट कहते हैं या डुप्लेक्सर स्विच कहते हैं। जब आपको सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो ये डुप्लेक्सर स्विच क्या करेगा, आपके एंटीना को यहाँ पर कनेक्ट कर देगा, ठीक है, डायरेक्शनल कपलर के साथ यानी ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट कर देगा। जब आपको सिग्नल रिसीव करना है तो ये डुप्लेक्सर स्विच क्या करेगा, आपके एंटीना को इधर, ये जो है ना टू रिसीवर इनपुट, यानी टू यानी ये जा रहा है, टू रिसीवर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये रिसीवर सर्किट के साथ हमारे एंटीना को क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा, तो सिग्नल क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। जब ट्रांसमिट करना है तो हमारे एंटीना को वो क्या करेगा, ट्रांसमीटर सर्किट के साथ कनेक्ट कर देगा। तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में स्विचिंग करने का जो काम है वो कौन करता है, डुप्लेक्सर सर्किट, और यू कैन से डुप्लेक्सर स्विच जो है वो करता है, और एंटीना से हमारा जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडियो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट होके क्या होता है, सिग्नल ट्रांसमिट होता है। समझ में आई बात, ठीक है। फेज मॉड्यूलेटर के बारे में मैंने वर्ड टू वर्ड में बता रहा हूँ, वही चीज थोड़ा फास्ट ध्यान से रखो। फेज मॉड्यूलेटर का मैंने क्या बताया था, पहले भी हमने देखे थे कि भाई इट इज अ लो पावर एफएम यूनिट ऑपरेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 824 से 849 मेगाहर्ट्ज। ये 824 से 849 क्या है, रिवर्स लिंक है, और यू कैन से डाउन अपलिंक, रिवर्स लिंक बोलो या आप क्या उसको बोल सकते हैं, अपलिंक। अपलिंक मतलब मोबाइल टू बेस स्टेशन, मोबाइल टू बेस स्टेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी अलोकेट की गई है वो 824 टू 849 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। ये आपका सेकेंड जनरेशन की जो स्टार्टिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिए। ये लो पावर एफएम यूनिट है, मतलब ये पूरा ट्रांसमीटर जो है वो बहुत ही लो पावर पे ऑपरेट हो रहा है। मॉड्यूलेटर आउटपुट, एक मॉड्यूलेटर आउटपुट यानी ये फेज मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट है, द कैरियर इज ऑप्टेन फ्रॉम फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर, ठीक है, फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर से कैरियर को हम ऑप्टेन करेंगे, इज अप्लाइड टू फेज मॉड्यूलेटर, फेज मॉड्यूलेटर को यहाँ पर वो अप्लाई किया गया है अलॉन्ग विद द एम्पलीफाइड वॉइस सिग्नल। एम्पलीफाइड वॉइस सिग्नल और फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर से जो कैरियर आया वो, उसके आउटपुट में क्या मिलेगा, मॉड्यूलेटेड आउटपुट, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टेड यूजिंग अ मिक्सर। ये मिक्सर को यूज करके हम हमारे मॉड्यूलेटेड आउटपुट को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, टू फाइनल ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी, टू फाइनल ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी में हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे फेज मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट है वो किलो हर्ट्ज में रहेगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि हमारा ऑडियो सिग्नल की रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की तो रेंज है, उसको हम मॉड्यूलेट, उसको हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हार्डली वो 1 मेगाहर्ट्ज के आसपास या उससे कम, 10 किलो हर्ट्ज या 15 किलो हर्ट्ज के आसपास उसका बैंडविड्थ रहेगा, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए रेडियो बैंड अलोकेट किया है वही फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तो वो फ्रिक्वेंसी में हम हमारे सिग्नल को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, मॉड्यूलेटर आउटपुट इज कन्वर्टेड यूजिंग अ मिक्सर टू फाइनल फ्रिक्वेंसी, सॉरी टू फाइनल ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी, तो ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी कौन सी है, ये, तो उसमें ये कन्वर्ट करेगा। वो उसके लिए जो फ्रिक्वेंसी चाहिए मेगाहर्ट्ज में वो भी कौन जनरेट करके देगा, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर ही जनरेट करके देगा। मिक्सर आउटपुट इज अप्लाइड टू क्लास सी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर को मिक्सर का आउटपुट, फिर द फाइनल एम्पलीफायर स्टेज इज डिजाइन टू सप्लाई 3/29, यानी पावर एम्पलीफायर जो यहाँ पर जो डिजाइन किया गया है फाइनल एम्पलीफायर, वो क्या कितना प्रोवाइड करेगा एंटीना को पावर, 3 वाट तक अप्रोक्सीमेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। द डायरेक्शनल कपलर इज यूज टू टैप द ट्रांसमीटर आउटपुट एंड सेंड टू एपीसी ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल सर्किट एज अ डीसी सिग्नल, ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, एज अ फीडबैक सिग्नल, एज अ फीडबैक सिग्नल, ठीक है। तो डायरेक्शनल कपलर का फंक्शन क्या है, ट्रांसमीटर आउटपुट पावर का जो सिग्नल है उसमें से थोड़ा सा टैप करके एपीसी सर्किट के जरिए से उसको फीडबैक देना, ठीक है। फंक्शन ऑफ डुप्लेक्सर स्विच इज टू आइसोलेट ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम रिसीविंग सिग्नल, ठीक है। डुप्लेक्सर स्विच का क्या फंक्शन है कि जब सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो हमारा एंटीना ट्रांसमीटर के साथ ही कनेक्ट रहना चाहिए, रिसीवर के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, रिसीवर से वो क्या रहना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आइसोलेट। उसी तरीके से आइसोलेट मतलब सेपरेट, दोनों का कोई कनेक्शन मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जब हम सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं तो हमारा एंटीना जो है वो रिसीवर के सर्किट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ट्रांसमीटर सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ट्रांसमीटर सर्किट से वो क्या रहना चाहिए, आइसोलेट रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, ठीक है। तो ये उसका फंक्शन है कि ट्रांसमीटर, ट्रांसमिटेड सिग्नल रिसीवर के साथ मिक्स ना हो जाए, रिसीव्ड सिग्नल ट्रांसमीटर के साथ मिक्स ना हो जाए, ठीक है। एपीसी का फंक्शन मैंने बताया, वापस से यहाँ पे देख लो, द ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल सर्किट कंट्रोल्स द आउटपुट पावर ऑफ अ ट्रांसमीटर ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैं पूरा समझा दिया,
अगर ऑटोमेटिकली कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि वो लॉजिक यूनिट अपने पास रीडिंग सेव करता है, बेस स्टेशन पे जाता है, बेस स्टेशन भी रीडिंग रिकॉर्ड करता है, फिर उसको फीडबैक के तौर पे मोबाइल को बताता है और साथ में इंस्ट्रक्शन भी देता है कि तुमको पावर कम करना है या ज्यादा करना है विद द हेल्प ऑफ पावर आउटपुट डिटेक्टर एंड डीसी एम्पलीफायर। पावर आउटपुट डिटेक्टर एंड डीसी एम्पलीफायर इज फॉरवर्डेड टू लॉजिक यूनिट टू कंट्रोल ओवरऑल ऑपरेशन। ठीक है, पावर आउटपुट डिटेक्टर और डीसी एम्पलीफायर का सिग्नल है जो है वो लॉजिक यूनिट की तरफ कंट्रोल भेजा जाता है ताकि ओवरऑल ऑपरेशन को लॉजिक यूनिट क्या करे, मॉनिटर करे। ट्रांसमीटर आउटपुट इज फेड टू डुप्लेक्सर कैरियर इनपुट फ्रॉम द फेज मॉड्यूलेटर एंड लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी सिग्नल ऑफ मिक्सर आर प्रोड्यूस बाय फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ट्रांसमीटर आउटपुट इज फेड टू डुप्लेक्सर। ठीक है, ये ट्रांसमीटर का जो आउटपुट जो है ये इधर से वो डुप्लेक्सर के पास भेजा जा रहा है। ठीक है, कैरियर इनपुट फॉर द फेज मॉड्यूलेटर, फेज मॉड्यूलेशन प्रोसेस करने के लिए हमको जो कैरियर सिग्नल चाहिए वो कौन दे रहा है, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर चाहिए। और ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी में हमारे सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए भी जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो भी कौन दे रहा है, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर दे रहा है। तो दोनों फ्रीक्वेंसी एक मॉड्यूलेशन के लिए और एक ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो दोनों फंक्शन, दोनों फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो कैरियर इनपुट फॉर द फेज मॉड्यूलेटर एंड द लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी सिग्नल फॉर मिक्सर आर प्रोड्यूस बाय फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। दोनों भी जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर प्रोड्यूस करके दे रहा है ट्रांसमीटर को। द ट्रांसमीटर आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय सेल साइट एंड एमटीएसओ। मोबाइल का जो ट्रांसमीटर का पावर जो है उसको कौन कंट्रोल करता था पहले 2G में स्टार्टिंग में, एमटीएसओ यानी एमएससी जो है वो कंट्रोल करता था, या सेल साइट यानी बेस स्टेशन और एमएससी दोनों मिलके कंट्रोल करते थे। रिसीवर रिसीवर पिकअप द स्पेशल कंट्रोल सिग्नल एंड सेंड्स टू एपीसी दैट द सेट ट्रांसमीटर आउटपुट लेवल। रिसीवर क्या करता था, बेस स्टेशन से जो सिग्नल आते थे उसको पिकअप करता था, लॉजिक यूनिट को देता था, लॉजिक यूनिट एपीसी को कमांड करता था कि भाई तुमको अभी ट्रांसमीटर का पावर पावर जो है वो कितना सेट करना है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली जो तुमने सेट किए थे। ठीक है, तो ये पावर एक्सप्लेनेशन और एपीसी यूनिट का फंक्शन जो है वो पूरे ब्लॉक डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको थोड़ा ध्यान में अच्छे से रखना है। बाकी फेज मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन का बेसिक प्रोसेस है, दो फ्रिक्वेंसी कैरियर की जो है वो जनरेट हो रही है, फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर उसको जनरेट कर रहा है। डुप्लेक्सर एज अ स्विच है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के सिग्नल को आइसोलेट रखना, ये उसका बेसिक फंक्शन है। ठीक है, और डायरेक्शनल कपलर का फंक्शन क्या है, ट्रांसमीटर का जो आउटपुट सिग्नल है एम्पलीफाई होके जो आ रहा है उसमें से टैप सिग्नल का टैप लेकर पावर डिटेक्टर के जरिए से एपीसी सर्किट और लॉजिक यूनिट को पहुंचाना। ठीक है, तो ये चार मेन पॉइंट्स है। एग्जाम में देखो दूसरा भी एक तरीके से पूछा है, यहाँ पर मैंने एक बताया था आपको ये क्वेश्चन कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम ड्रॉ करो और जरूरी नहीं है कि सीधा बोलेगा कि एक्सप्लेन करो। क्या बोला है उसने, स्पेसिफिक पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, हर कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला है। एपीसी लूप को करो और डुप्लेक्सर, ये दोनों को ही एक्सप्लेन करने बोला है। ठीक है, ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम में आपको डायग्राम दिया रहेगा और मिसिंग ब्लॉक्स दिए रहेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द गिवन ब्लॉक डायग्राम, यानी ये कौन सा डायग्राम है पहले तो इसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, स्टेट द फंक्शन ऑफ ब्लॉक ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी और सी को आइडेंटिफाई भी करना है और ए बी और सी के फंक्शन को एक्सप्लेन भी करना है। चलो कौन बताएगा, ए क्या है, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, ए क्या है, ए यहाँ ऊपर देखे ना, ए क्या है, डायरेक्शनल कपलर, ये वाला ब्लॉक एम्पलीफायर के बाद डायरेक्शनल कपलर। ए क्या है, डायरेक्शनल कपलर। बी क्या है, डुप्लेक्स सर्किट। डुप्लेक्सर। बी क्या है, डुप्लेक्सर, ये डुप्लेक्सर सर्किट। ठीक है, और सी क्या है, ये सी क्या है, एपीसी ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल, ये ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल सर्किट एपीसी। ठीक है, ये एक तरीके का क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। दूसरा पूछा है देखो, ये आइडेंटिफाई एंड कंपेयर द गिवन ब्लॉक डायग्राम, आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द
सर वो ब्लॉक को एक्सप्लेन भी करना रहेगा ना, हाँ ब्लॉक को एक्सप्लेन भी करना है। एबीसी वगैरह। ब्लॉक को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। अभी आवाज क्लियर होगी शायद। आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट गिवन ब्लॉक डायग्राम। माइक को बंद कर दो, माफ कर, तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आ रही, डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट गिवन, कंप्लीट कंप्लीट है वो, एमएसबीटी के क्वेश्चन में थोड़ा ये है। आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द गिवन ब्लॉक डायग्राम, स्टेट द फंक्शन ऑफ एपीसी। ये भी विंटर में पूछा है 4 मार्क्स के लिए। आइडेंटिफाई करना है तो क्या है, ट्रांसमीटर का, मोबाइल फोन यूनिट के ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पे लिखना है ऐसा, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेलुलर मोबाइल फोन ट्रांसमीटर, या मोबाइल फोन ट्रांसमीटर लिखेंगे तो भी चलेगा, सेलुलर मोबाइल फोन ट्रांसमीटर लिखेंगे तो भी चलेगा। वही 3 ब्लॉक यहाँ मिसिंग है, ये क्या है, डायरेक्शनल कपलर, ये डुप्लेक्सर यूनिट, और ये क्या है, ये पावर आउटपुट डिटेक्टर। पावर आउटपुट डिटेक्टर समझ में आ रहा है। दोनों क्वेश्चन में वैरायटी देखो, कोई भी ब्लॉक्स मिस करके वो पूछ सकता है कि भाई इसको आइडेंटिफाई करो और उसको एक्सप्लेन करो, समझ में आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, या तो डायरेक्टली ड्रॉ एक्सप्लेन के लिए, या तो इस तरीके से मिसिंग ब्लॉक्स के साथ आ सकता है। आंसर में ये जो ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल वगैरह का जो फंक्शन है वो अच्छे से लिखना है आपको, ये फ्रिक्वेंसी रेंज अच्छे से आनी चाहिए बराबर, ये वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइजर दोनों फ्रिक्वेंसी आपको जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर कैरियर फ्रिक्वेंसी जो है वो एक फेज मॉड्यूलेटर के लिए है, और दूसरी कैरियर फ्रिक्वेंसी जो है वो किसके लिए है, फाइनल ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी के लिए है। समझ में आया ये, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, इसमें किसी को कुछ डाउट है कि मोबाइल फोन ट्रांसमीटर के फंक्शन में कुछ डाउट है तो पूछ लो, अभी हमारे पास टाइम है। सर वो रेंज बताए, वो कौन सी रेंज है, 280 वाली थी ना पहले, स्टार्टिंग में मोबाइल फोन से कौन सा बोल, सिग्नलेस। 824 से 849 मेगाहर्ट्ज, हाँ, कौन सी रेंज है वो। वो रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज है जो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो फ्रिक्वेंसी यूज होती है वो 800 मेगाहर्ट्ज से लेकर 500 गीगाहर्ट्ज के बीच में जो फ्रिक्वेंसी है वो सब मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। तो जो सेकेंड जनरेशन जो था 2G, अभी 4G हम यूज कर रहे हैं ना, यस सलमान सर, यस सर। सलमान, हाँ सर, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ, माइक हाँ म्यूट कर दिया था। हाँ तो अभी हम 4G यूज कर रहे हैं, तो 2G की फ्रीक्वेंसी रेंज है वो। 2G में, अब मोबाइल कम्युनिकेशन में दो बैंड रहते हैं, एक बैंड को क्या कहते हैं अपलिंक, और एक को कहते हैं डाउनलिंक। अपलिंक मतलब मोबाइल टू बेस स्टेशन, और डाउनलिंक मतलब बेस स्टेशन टू मोबाइल। तो हम अभी मोबाइल का ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे थे ना, तो मोबाइल में सिग्नल कहाँ से जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है, मोबाइल टू बेस स्टेशन जाता है, यानी अपलिंक में जाता है। तो ये अपलिंक की फ्रीक्वेंसी रेंज है, 2G की अपलिंक की फ्रीक्वेंसी रेंज है 824 से 849 मेगाहर्ट्ज, 25 मेगाहर्ट्ज का ये बैंड है अपलिंक का। उसी तरीके से डाउनलिंक का भी 25 मेगाहर्ट्ज का बैंड रहता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, अभी जरा पहला लेक्चर है इसके लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है। ठीक हाँ हाँ ठीक है सर। है, और किसी को कोई इशू इसमें, इसी तरीके से डायग्राम रहेगा, हर डायग्राम के अंदर एक पावर का ही सर मेन वो पॉइंट इमेज है। कितना मास्क कर ले आते सर, हाँ, वो डायग्राम कितना मास्क ले आते सर बोर्ड में, 4 मास के लिए दोनों सर दोनों। दोनों, कौन सा, अभी एक ही टॉपिक पढ़ाया मैंने आज। नहीं सर, डायग्राम दिखाए थे ना सर, एक और उसको सर। तीन डायग्राम दिख गया सर, एक ही टॉपिक में तीन डायग्राम थे वो एक ही ना। टॉपिक का डायग्राम है, तो फिर सर बैठता नहीं है बराबर। मोबाइल फोन ट्रांसमीटर जो है, मोबाइल फोन ट्रांसमीटर ये टॉपिक पढ़ रहे थे ना हम, ब्लॉक डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑफ मोबाइल फोन ट्रांसमीटर, तो ये हाँ उसका सर डायग्राम है, ये हाँ उसका सर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक वैरायटी ये है कि भाई ड्रॉ करो और एपीसी और डुप्लेक्सर, यानी ये डुप्लेक्सर और ये एपीसी, ये दोनों का फंक्शन लिखो। दूसरी वैरायटी मैंने बताया, टॉपिक वही है कि दूसरी वैरायटी क्या है, एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट डायग्राम डायरेक्टली दिया रहता है,
और ऐसा ब्लॉक लिखित रहेगा, समझे? तो उसका नाम कोई लिखने का और उसको एक्सप्लेन करने का कि ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और ए का क्या फंक्शन है, बी का क्या फंक्शन है, और सी का क्या फंक्शन है, कौन सा ब्लॉक है उधर, कौन सा सर्किट है, उस सर्किट का नाम लिखने का, वो ब्लॉक का नाम लिखने का, और उसको एक्सप्लेन करना है, ओके सो समझे? ये तो पूछ रहा था मैं। ये दूसरी वैरायटी है, ये तीसरी वैरायटी है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है? हाँ सर। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, रिसीवर, ब्लॉक डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑफ मोबाइल फोन रिसीवर, इसमें भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है? रिसीवर का फंक्शन है और क्वेश्चन का वैरायटी ऐसी ही है, जैसा अभी ट्रांसमीटर का मैंने बताया ना, कि पूरे 6 के 6 ब्लॉक डायग्राम दोनों तरीके से पूछा गया है, डायरेक्टली और थोड़ा ट्विस्ट करके। ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं है डाउट तो ये लेक्चर हम यहाँ पर ये करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिसीवर को स्टार्ट करेंगे। आप लेफ्ट हो सकते हो। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलो। फन खैरियत? हाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाँ समझ में आ रहा है ना? सर, आ रहा समझ में आ रहा। ठीक है, जो भी रहा पूछ लेना, ठीक है? हाँ सर, अल्लाह ठीक है, चलो। हाँ, अस्सलाम हाफिज। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। कुछ काम है उमेर? नहीं सर। हाँ ठीक।